गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास मैथ की हमारी क्लास है। एक्सरसाइज है 8.2, जिसका आज हम अपना करेंगे 8th, 9th और 10th सम। तो हमारा जो 8th सम है उसमें स्टेटमेंट क्या दे रखी है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक किसी भी जगह कोई, जैसे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, इलेक्शन होता है, उसमें से टोटल वोट्स होती है 15,000, उसमें क्या बोलते हैं 60% वोट वहां पर डलती है, तो वोटेड परसेंटेज कितना है 60%। फाइंड द परसेंट हु डिड नॉट वोट, हमें वो निकालना है, हमें वो परसेंटेज निकालनी है जिन्होंने वोट नहीं किया। तो टोटल अगर मैं परसेंटेज मानता हूं तो हमारी 100% होती है, 100% होती है, उसमें से क्या करूंगा मैं 60 को हम जिसने वोट डाला था वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा 40% वो वोटर्स आ जाएंगे जिन्होंने वोट नहीं किया, 40% वो आदमी आएंगे जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला। फिर निकालना है कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, हमें उन नंबर ऑफ वोटर्स की क्या निकालनी है, नंबर ऑफ पीपल वो डिड नॉट वोट, हमें वो निकालना है, हमें वो आदमी निकालने हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, वो नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे 40% ऑफ क्या करेंगे हम 15,000, तो 40% हम टोटल हमारी जो 15,000 वोट वो हमारे जो वोटर्स थे उनको निकालेंगे, तो 40% इसका क्या हो जाएगा 14/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यहाँ पे आ जाएगा 15,000, तो 00 से 00 क्रॉस हो जाएगी, 40 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 150, 20 सेम हो जाएगी और 15 4 60, तो इतने नंबर ऑफ पीपल थे जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला। तो हमें निकालना क्या था, सबसे पहले तो नंबर ऑफ हमें वो निकालने थे परसेंटेज जिन्होंने वोट नहीं डाला, और फिर जिन्होंने वोट नहीं डाला उनकी क्या निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी। तो 6,000 ऐसे पीपल थे, ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। फिर है 9th सम, जिसमें क्या दे रखा है, कोई मीता एक नाम की लड़की है जो कि अपनी सैलरी में से 400 रुपीस बचाती है, और अगर वो 400 रुपीस उसकी सैलरी का 10% है तो सेविंग मनी क्या है 400 और सेविंग परसेंटेज क्या है 10%, तो हमें निकालना है कि भी उसकी टोटल सैलरी क्या होगी। तो मैं टोटल सैलरी को मान लेता हूं पी, हमें निकाल के क्या दे रखा है कि भी 10% ऑफ टोटल सैलरी, भाई टोटल जो सैलरी थी उसमें से जब वो 10% बचाती है, 10% बचाती है तो 400 रुपीज बचते हैं, हमें निकालना है उसकी टोटल सैलरी। तो 10% कन्वर्ट हो जाएगा 10/100 में, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, टोटल सैलरी हमने यहां पर क्या मानी थी पी, ये आ जाएगा 400 इक्वल टू, अब ये 10/100 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा और 10 आ जाएगा नीचे, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। अब 400 मल्टीप्लाई 10 तो क्या आ जाएगा 4000 आ जाएगा यहाँ पर हमारी वैल्यू, तो 4000 वैल्यू हमने क्या मानी थी जो कि हमारी क्या थी टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी जो हमने मानी थी उसकी वैल्यू आई है 4000 रुपीज, तो टोटल सैलरी उसकी 4000 थी और जब उसका वो 10% बचाती थी तो सेविंग मनी उसकी होती थी 400 रुपीज। फिर हम अपना करेंगे 10th सम, जिसमें क्या दे रखा है, अ लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेस इन अ सीजन, किसी भी सीजन में कोई एक टीम है जो एक क्रिकेट मैच खेलती है, वो टोटल क्रिकेट मैच क्या है 20 मैचेस खेलती है, इफ 1% तो यहाँ पर विन परसेंट दे रखा है 25%, हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो ये बताना है कि वो टोटल कितने मैचेस वहां पर जीतते हैं, तो विन परसेंटेज हमारा दे रखा है और हमें टोटल मैचेस दे रखे हैं, तो हम निकालेंगे 25% ऑफ टोटल मैचेस, तो 25/100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब यहां पर हम लिखेंगे बोर्मस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई, टोटल मैचेस क्या थे 20, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 25
और 5 5 25, तो 5 मैचेस क्या है, टोटल मैचेस थे 20, 5 मैचेस वो परसेंटेज वाली वैल्यू आई है जो कि हमें दे रखा था, जो कि क्या थी 25%। अगर कोई मैच जीतती है कोई टीम 20 मैचेस में, तो वहां पर विन मैचेस कितने आ जाएंगे, 5। अगर यहां पर पूछ ले कि कितने उसने लॉस्ट किए हैं, तो लॉस्ट मैचेस जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल मैचेस जो हमारे थे 20, उसमें से क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे, ये हमारे आ जाएंगे लॉस्ट मैचेस। अगर आपको पूछ ले कि भी कितने मैच उसने लॉस किए हैं, कितने मैच वो हार गई है वो टीम, तो हम क्या करेंगे विन वाले मैचेस को टोटल में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएंगे हमारे 15 मैचेस जो कि उसने लॉस किए हैं। तो ये थी हमारी 8.2 एक्सरसाइज जो कि हमने आज की है 8, 9 और 10 सम। जो बाकी हमारी जो एक्सरसाइज है 8.3 एक्सरसाइज है वो हम अपना करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।